Hello guys, so we have roughly 7 months of time to CAT exam and this is the video where I'm going to give you the detailed study plan. Okay, और यहाँ पे हम देखेंगे कि आप जहाँ भी खड़े हो, आपने preparation start कर दी है या अभी आप start करने वाले हो, अभी decide भी कर रहे हो start करने के लिए, तो क्या करना चाहिए, 7 महीने का time enough है, नहीं है, कैसे उसको month-wise month plan होना चाहिए, okay, everything we are going to look in this video, okay. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई हमको अगर preparation start करनी है, अगर हमने start कर भी दिया, समझो हम अटके हुए भी हैं, तो starting का यानी कि पहला phase, यानी कि जो इमीडिएट एक्शन प्लान है वो क्या होना चाहिए, वो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर एंड देन वी विल गेट इनटू टिल नवंबर, बिकॉज़ नवंबर का लास्ट सेमेस्टर नॉर्मली कैट होता है. तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे, मॉक की प्लानिंग भी देखेंगे, ओके, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं. तो यस, बिफोर आई गो अहेड, ओके, अ क्विक रिमाइंडर टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, लाइक द वीडियो गाइस, बिकॉज़ वी आर मेकिंग ऑल दिस कंटेंट जस्ट फॉर यू गाइस टू गेट द राइट गाइडेंस, ओके, एंड यस, फॉलो अस ऑन Instagram एज़ वेल, एंड इन केस यू आर लुकिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओके, वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, डायरेक्टली गो एंड एनरोल फॉर अ फ्री डेमो सेशन एंड यू कैन get started off, okay? So understand, पूरा जो 7 months का time है, इसको हम लोग बहुत आराम से एक तीन अलग-अलग level की preparation में इसको breakdown करेंगे, अच्छे से समझेंगे, मैं इसको detail में समझाऊंगा, okay? So start off with, okay, obviously right now that we are in the month of May, तो यहाँ पे हमको जो level one होता है ना, ये May, ये June और July, okay? ये 3 months में इसको खत्म करना होगा. इसमें क्या करना है, I'll get into that as well, okay, but उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, okay, तो यहाँ पे आ जाएगा, okay, August और September का time है, आपका level 2 में जाना है आपको, obviously वहाँ पे मेहनत और बढ़ानी है, okay, effort और लेना है, हम भी लेंगे, okay, आपको भी इसमें involve करेंगे, okay, so that we all are, okay, achieving the goal that we have set for ourselves, okay, and the last 2 months, which is going to be October and November, these 2 months, okay, is going to be for the level 3, okay, and obviously वहाँ पे हम और higher level पे जा रहे हैं, CAT के 5 questions पे जा रहे हैं, सब कुछ है. तो देखो, when you are starting off, देखो यार guys, okay, होता क्या है कि people ask this question कि हमको start कहाँ से करना चाहिए, okay, so there are good amount of books available in the market, okay, हम भी आपको दे रहे हैं, okay, we are giving you the very very basic, जहाँ एकदम start करना चाहिए, उस level का material भी दे रहे हैं. वैसे अगर आपने कोई coaching नहीं करी है अभी तक, okay, so बहुत सारी books market में भी available है, अरुण शर्मा is one of those books, okay, जो कि जिसको कहा जाता है कि ना, मतलब उसके बिना आपको कैट नहीं देना चाहिए, तो अरुण शर्मा इज अ गुड बुक, गो एंड टेक दैट, ओके, इफ यू हैव नॉट टेकन दैट, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो वो एक अच्छी चीज है, आप हमारी बुक से भी पढ़ सकते हो, ओके, उसमें नहीं है, बट यस, द मेन थिंग इज दैट आई सी दैट पीपल लूज ऑन टाइम जब उनके पास एक सही मेंटर नहीं होता, सही गाइडेंस देने वाला नहीं होता. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझना है दैट योर प्रिपरेशन, द टॉपिक्स, ओके, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स बोलो, जो भी बोलो, लेकिन एंड ऑफ द डे सारे चीजें यहाँ पे ये आ जाती है दैट यू हैव टू सॉल्व, ये लेवल वन जो है ना, यहाँ से ही आपको एक टाइम बाउंड प्रिपरेशन करना है. व्हेन आई से टाइम बाउंड प्रिपरेशन, मतलब क्या हुआ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे, आप स्टार्टिंग से ही आप एक बहुत ही गलत ट्रैक पे रहोगे, ओके. सो यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्टकट तरीके हैं, जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है सॉल्व करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, ओके, दैट गो एंड अटेंड वन ऑफ आवर डेमो सेशंस, जहाँ पे आप फ्री में देखो कि कॉन्स को सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स होती है, क्या ट्रिक्स है, हाउ डू वी यू नो, लाइक जो टिपिकल मेथड होता है, स्कूल का मेथड होता है, वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है. और अगर आपने लेवल वन में ये चीज नहीं इंप्रूव की, तो जो भी मैंने आपको 3 महीने का टाइम बोला है, ये आप लेवल वन में अगर आपने इंप्रूव नहीं किया, दैट मीन्स आप अपने लेवल टू में जब जाओगे, तब तक आप का जो लेवल वन की प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, वो एक गलत प्रिपरेशन हो गई. सो वहाँ पे आपको बहुत एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि और ये ऑल द मेथड दैट आई हैव डन टिल नाउ इज रॉन्ग मेथड, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मुझे तो शॉर्टकट मेथड चाहिए था. और फिर आप जाके लेवल टू में जाके जब आपको आना होता है, तब आप फिर से लेवल वन स्टार्ट करने की बात करते हो. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट स्टार्टिंग से ही आपको अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में रखनी है, ओके, बाय वर्किंग ऑन द राइट सेट ऑफ ट्रिक्स वेर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन मच फास्टर, गेटिंग क्लोज टू 1 मिनट, ओके, 1.5 मिनट्स में आंसर आ जाना चाहिए, ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए. और उसके लिए बहुत बेटा बहुत डाउट सॉल्विंग करनी पड़ती है, बहुत डाउट क्लियरिंग करनी पड़ती है यहाँ पे आपको, ओके, तो यहाँ पे हमारे नॉन स्टॉप प्रोसेस है, ओके, वो तो हमने आपको हमेशा बताया कि आओ डाउट क्लियरिंग के क्लास में, लाइव क्लास में सामने सामने बैठो तो सर के और अपने डाउट्स को क्लियर करो. यहाँ पे मैंने देखा है कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि सिर्फ फेसबुक ग्रुप बना दिया डाउट क्लियर करने के लिए, वहाँ पे पोस्ट करो, सर अपना आंसर कभी पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. डाउट ऐसी चीज है ना कि जब सामने सामने बैठ के फैकल्टी की जान खा जाओ, फैकल्टी को पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, आस्क हिम, ओके, एंड देन क्लियर, ओके, देन गो अहेड, ताकि जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, डाउट्स क्लियर करना है.
टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो देना शुरू कर देना है स्टार्टिंग से ही. टाइम बाउंड प्रिपरेशन इज द फंडा, दैट इज द ट्रिक, ओके, दैट इट इज गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम. अगर आप टाइम बाउंडेड नहीं कर रहे हो, बस हवा में 2 घंटा पढ़ रहे हो, कभी 3 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है भाई पढ़ लिया, लेकिन टाइम बाउंड उतने 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ये चेक करो. ओके, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने उसमें से डाउट्स आए, कितने डाउट्स को आपने क्लियर कर लिया, क्या मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्या मेरा फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में आई एम एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको अपने लेवल 1 में क्लियर करनी है, सॉर्ट करनी है. एक बार ये चीज सॉर्ट हो गई तब हम जाएंगे लेवल 2 में. ओके, और लेवल 2 यानी कि ये आपका 3 महीने बाद स्टार्ट होगा. कई बार ऐसा होता है बच्चों का कि जो चाहते हैं कि लेवल 1 को 2 बार अटेंड करें, आप वो कर सकते हो. आप लेवल 1 को जब आप अटेंड कर रहे हो, आप उसी चीज को 2-2 बार अटेंड भी कर सकते हो. ओके, इन केस यू वांट टू मेक योर कॉन्सेप्ट फंडा इवन मोर स्ट्रॉन्गर. ओके, बट ये है कि फिर आपको लेवल 2 के लिए कम टाइम मिलेगा, तो आप लेवल 2 को भी साथ साथ में चलो. ओके, और लेवल 1 भी साथ साथ में लेके चलो, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे. और टॉपिक वाइज यहाँ पे हम जब जाएंगे तो हम उसी टॉपिक का एक थोड़ा हायर लेवल यानी कि मॉडरेट लेवल बोलूंगा, एकदम टफ लेवल नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी वहां से. ओके, डाउट क्लियरिंग तो आप देख रहे हो कि एक नॉनस्टॉप प्रोसेस है. एडवांस मटेरियल स्टार्ट करेंगे, एमबीपी का अलग से एडवांस मटेरियल हमने आपको दिया हुआ है, आप उसका मटेरियल स्टार्ट कर दो. और फिर लास्ट के 3 जो 2 महीने हैं उसमें हम लेवल 3 में जाएंगे बिना कैट के क्वेश्चन सॉल्व किए. आपको जाने ही नहीं है. इनफैक्ट इफ यू सी आवर यूट्यूब चैनल, वी आर ऑलरेडी पोस्टिंग ऑल द प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन. सो वहां पे जाओ, टॉपिक वाइज डाला है हमने, ईयर वाइज भी डाला है, सब कुछ है. हमारी प्ले लिस्ट को जाके वहाँ पे सर्च करो, यू विल गेट ऑल दिस. ओके, यू हैव ओके द रिविजन सेशन दैट विल स्टार्ट इन द लास्ट 2 मंथ्स. ओके, टॉपिक वाइज के हाई लेवल में जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे. इस तरीके से आपका मंथ वाइज 1 प्लान है. ओके, ऑब्वियसली जो एमबीपी के स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीपी फैमिली से पहले से जुड़े हुए हैं, ओके, दे आर ऑलरेडी हैविंग द पर्सनल स्टडी प्लान. ओके, उनको हर हफ्ते स्टडी प्लान मिलता है, पर्सनल स्टडी प्लान मिलता है. वो हर हफ्ते का उनको पता है कि अगले 1 हफ्ते में उनको क्या पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, स्टडी ट्रैकर बना हुआ है स्टूडेंट का. लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब फैमिली में हो तो वहाँ पे हम आपको यहाँ पे वीडियोज डालते रहेंगे, आप वहाँ से भी सीख सकते हो. बट यस, एमबीपी स्टूडेंट आर गेटिंग दैट पर्सनल स्टडी प्लान. ओके, दैट इज देयर. ओके, और उस स्टडी प्लान को अपने ये जो टॉपिक वाइज का प्लान है इससे आप सिंक रखो. जैसे हमने कहा कि भाई अरिथमेटिक 40% है, गेम चेंजर है. आपको अगर कॉन्स अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें से सिर्फ वो चीज उठाओ जो आपको 90% क्रैक करा देगा. ओके, 90% क्रैक हुआ तो आपके टॉप 6 आईएम्स के भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गए. बाकी 2 सेक्शन है, वर्बल है, लॉजिक है, वहां पे खींचेंगे. ओके, अगर कॉन्स में अगर आपका नहीं बढ़ रहा है तो बेयर मिनिमम कर लो ताकि आई एम अहमदाबाद की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए. तो अगर आप 40% अरिथमेटिक जा रहा है, ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे 30% एलजेब्रा जा रहा है, यानी कि अगर आप देखो अरिथमेटिक एलजेब्रा मिला के 70% आपने कर दिया. कैट के पेपर में आप अगर 50% ऑफ द पेपर करके आते हो तो आपका 99% आ जाता है. तो अगर आप यही 2 चीज पे फोकस करो, भाई मैं अरिथमेटिक को और अल्जेब्रा को, ये 2 को ही फोकस करो, सबसे पहले इनसे स्टार्ट करो. और ऑब्वियसली सबसे इजी भी अरिथमेटिक ही होता है. सो दैट इज हाउ इट शुड स्टार्ट. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द डे वाइज प्लान आल्सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो, सो उसको भी ध्यान से देखना. और यहाँ पे आप देखो लॉजिक में क्या है कि लॉजिक में अलग अलग टाइप के पजल्स होते हैं और यहाँ पे किसी भी टाइप की पजल कभी भी आ सकती है. तो यहाँ पे ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए हमने सबको इक्वल वेटेज दिया है. वो क्वांट बेस्ड हो, अरेंजमेंट बेस्ड हो, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हो, किसी भी टाइप का हो, ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो. ओके, तो यहाँ पे आपको करना है. एंड वर्बल में ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ गेम चेंजर. ओके, दैट वी सी. यहाँ पे पैराजिम्बल नो ऑड सेंटेंसेस पैरा समरी. ओके, यहाँ भी है. ये जो है थोड़ा कम वेटेज है लेकिन इसकी एक्यूरेसी रेट ज्यादा अच्छी होती है. तो ये सारे तो आपके टॉपिक्स हो गए. अब अगर मैं ये सारी चीजों को अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ओके, कि हमें पूरा पूरा प्लान के तौर पे जाना है. ओके, तो फ्रॉम हियर यू सी, यहाँ पे हम जब स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक फेज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज यानी कि 6 मई से स्टार्ट हो रहा है, दैट यू सी हियर. ओके, एंड ओके, दिस इज फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. सो डेली बेसिस, ओके, यू सी हियर दैट 9 to 11 PM, ओके, इज वेयर सेशंस आर गोइंग ऑन. ओके, वी हैव द कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस. ओके, ये आपको पहला होमवर्क मिलेगा. फर्स्ट होमवर्क दैट यू विल हैव इज कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस. यू हैव टू सॉल्व द एक्चुअल कैट क्वेश्चंस, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है. एंड दिस इज द बेस्ट मटेरियल. कोई भी मार्केट की बुक उठा लो, लेकिन जब तक आपने एक्चुअल कैट क्वेश्चंस नहीं किया है, दैट मींस यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक. ओके, एंड यस, देयर हैज टू बी अ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन. दैट आई से द मेन एसेंस जो है, इंग्रेडिएंट है, ओके, इज टाइम बाउंड प्रिपरेशन. टाइम बाउंड प्रिपरेशन करो तो ही आपके यहाँ पे चलने वाला है. अगर टाइम बाउंड नहीं कर रहे हो, ओके, तो हियर यू सी, ओके, ऑल कॉन्स लॉजिक वर्बल एवरीथिंग इज देयर हियर. ओके, दैट वी कैन सी हियर. ओके, यू कैन, एंड दिस इज हाउ, ओके, योर एंटायर फर्स्ट वी फर्स्ट नो द फर्स्ट फेज keeps on daily lectures, okay, that is going on, okay, where you see that personal mentoring, okay, live doubt clearing will also be happening, okay, together. And by end of July, we will be completing your first phase. That means the entire syllabus, okay, we will be completing, okay, by third of July, that we see here. Yani ki May
जून मिला के हमने फर्स्ट टाइम हमने पूरा सिलेबस कर लिया। अब हमको वापस से करना है बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज दिस नेवर हैपेंस कि आपने कोई भी चीज एक बार की और हो गया कैट। कैट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। सो दैट इज वेयर ओके आई एम गोइंग टू गिव यू द बेसिक सेट ऑफ थिंग्स अगेन वन मोर टाइम वी विल डू इट अगेन सो दैट नो यू बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग इन योर बेसिक फंडास एंड कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट अगेन द एंटायर थिंग ओके दैट यू सी हियर एंड दिस इज वेयर ओके दिस इज द सेकंड टाइम ओके दैट विल बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग एंड दिस ओके अगेन यू विल बी गेटिंग द स्टडी प्लान्स ओके नो द लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशंस ओके एवरीथिंग इज गोइंग टू गो एंड दिस ओके विल एंड अप बाय सेप्टेंबर ओके सो द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर में आपने टू टाइम्स आपने अपनी पूरी पूरी प्रिपरेशन कर ली है ओके कैट की सारे टॉपिक बेसिक टॉपिक्स को देख लिया है और यहाँ पे दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ओके टू टाइम्स नाउ वी आर गुड टू गो विद द एडवांस लेवल ओके एंड दैट्स वेयर ओके वी आर स्टार्टिंग द एडवांस लेवल वर्कशॉप्स ओके यू विल हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बार ग्राफ एलजेब्रा वेन डायग्राम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर ओके यू सी हियर वी आर गोइंग टू टच अपॉन इवन द हायर लेवल ओके इन टर्म्स ऑफ द वर्बल व्हिच इज पैराजेम्बल ओके पाई चार्ट्स ओके गेम्स टूर्नामेंट्स ओके ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी देयर कवर्ड हियर okay and this is the way okay by the time okay where we reach the CAT exam okay by November okay all our workshops will be going on okay we will be doing a full sprint okay and last mein revision bhi karenge okay and by that time okay all your mock analysis everything will be over by that time so this is the plan guys okay which requires obviously okay a lot of effort needs to be taken okay these are the six different things that you will be touching in all three of preparation jo teen level hai uske andar aap jaoge to sabse pehle aapko concept ki learning practice karni hai topic wise test time bound dhyan rakhna time bound preparation is important start to end okay aapko apne jo bhi doubt clearing hai live doubt clearing hai mentoring hai ye clear karte chalna hai पास्ट कैट पेपर और एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसके बिना ओके यू कैन नॉट गो फॉर योर एग्जाम दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ओके मॉक टेस्ट एंड मॉक डिस्कशन वी विल बी टेकिंग लाइव डिस्कशंस ओके अबाउट मॉक्स हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर ओके वी विल मेक यू सॉल्व पेपर राइट इन फ्रंट ऑफ अस वी विल बी सॉल्विंग इट फॉर यू सो दैट विल ऑल्सो शो यू दैट ओके कैसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है एंड देन टुवर्ड्स द एंड विच इज द रिविजन and that is where okay November will come up okay and that is where the CAT exam is going to be there so that is the entire process okay of the preparation for the next 7 months of time so for that definitely you need to be stay glued okay to this particular process okay be a part of a community which is you know, excited for your preparation okay we'll be working hard okay along with you guys but yes make sure the channel okay that you're watching right now okay you have subscribed the channel like the video share it with people and that is where okay you will be getting the real benefit of it, all the content that we share. All the best. Bye-bye.